ओके वेलकम दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं दर्शन सोनी और अभी आप देख रहे हो मेरे दर्शन एक अभी आप लाइव है। हम एक जगह पर सांप निकला है, वहां पर आए क्योंकि यहां पर अभी हल्की सी बारिश हुई है, इसके कारण यहां पर सांप निकलना आम बात है। और ये जो एरिया में बसते हैं यानी कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आसपास बहुत ही ज़्यादा तालाब और नदी नाला है, जहाँ पर एक कॉमन स्नेक है यानी कि जिसको हम बोलते हैं मीठे पानी का सांप यानी कि चेकर्ड कीलबैक, वही ज़्यादातर पाया जाता है। और एक बार बारिश होने के बाद वही सबसे ज़्यादा मिलता है। तो भी यहाँ पर भी वही सांप है, तो चलो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि वो ओके साइज तो बहुत ही अच्छी है, पकड़ लिया ओके और हेल्दी भी है। ओके साइज भी अच्छी है, लेंथ में भी अच्छा है। ये जो है वो एक फिर अभी इसके अंदर हमने इसको अच्छे से रिसीव कर लिया है और इसको भी हम इनके यहाँ पर क्या होता है जो इंसान है उसके आसपास सांप के डर की वजह से सब लोग इसको मार देते हैं, पर ऐसा जरूर नहीं है कि हर सांप आप जो देखो वो जहरीला हो। सांप में बहुत सारे नॉन वेनम यानी कि जहर बिना का होता है, तो उसमें से ये एक है जिसमें जहर नहीं होता, जो इंसान के लिए घातक नहीं है पर इसके लिए इंसान जरूर घातक है। इसको ले चलते हैं, थैंक यू। ओके वेलकम बैक। अभी आपने देखा कि वहाँ पर एक जो सांप निकला था और शाम रात को फ़ोन कर रहे थे कि आकर ले जाओ आकर ले जाओ, पर उससे क्या बात है कि अभी बारिश का सीज़न है यानी कि आज ही बारिश हुई है, तो उसके कारण वहीं पर आसपास घर के आसपास थोड़े बहुत पानी के तालाब है जहाँ पर एक स्नैक कॉमन बात है कि चेकर्ड कीलबैक यानी कि वाटर स्नैक जिसको हम बोलते हैं मीठे पानी का सांप, वो वहाँ पर निकलना आम बात है, कॉमन बात है। और उसके सब लोग डर जाते हैं क्योंकि सांप नाम सुनते सब लोग डरते हैं, पर ऐसा नहीं है, सभी सांप जहरीला नहीं होता। तो ये एक नॉन वेनमस स्नैक है, पर इसकी एक सबसे बड़ी हमारे लिए कमजोरी ये है कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, बहुत ही बदबूदार है। एक बार इसको रेस्क्यू करने के बाद आप इसको साबुन से भी हाथ धो लोगे तो फिर भी उसके आपके हाथ में से वो उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ही भद्दा है, घिनौना। चलो छोड़ देते हैं, इसको हाथ में लेना पसंद ही नहीं है। देखो वो किस तरह से बाहर का साइज ले रहा है, देखो रबर चला गया। चल भाई आ जा, चल भाई आ जा। ओके देख सकते हो इसकी कलर पैटर्न डिजाइनिंग चेक्स वाली ये स्कैम है, इसके कारण आप इसको पहचान लेंगे कि ये कौन सा वाला है। ये कॉमन है और इसका जो ऊपर का स्केल है वो बहुत ही हार्ड है, नीचे की कछुआ एकदम सॉफ्ट। ओके देखा उसकी स्फूर्ति आपने, चलो अब इसको छोड़ देते हैं। ओके देखो अभी जा रहा है, साइज भी इसकी अच्छी है, बहुत बड़ा है। चलो वो तो चला गया, पर कृपा करके आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो कृपा करके अभी तक जो आपने शेयर नहीं किया है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिसके कारण सब लोग इसको जान सके, पहचान सके और इसका आइडेंटिफाई होना संभव हो सके कि जिसके कारण इसको कोई मारे नहीं और इसको सेफली बचाया जा सके, क्योंकि ये नॉन वेनमस है यानी कि इसमें जहर नहीं आता। तो फिर जहर ना होने के कारण कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, पर इसकी ट्रिक यानी कि इसकी पहचान होनी चाहिए कि आप इसको कैसे पकड़े। तो फिर एक बार वो आपको आ गया तो फिर आप भी इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो लगातार देखना पड़ेगा। तो कृपा करके इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लगातार देखते रहिए, फिर से मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे दर्शन चैनल, सबको दिखाइए और लाइक करना ना ही भूले। थैंक यू, आओ जो।